कुंदेलों ने करो है शहीदन का नमन। बात करो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के शहीद स्थल हवेली दरवाजा से शुरू करो। बुंदेली समाज ने एक दिया शहीदन के नाम अभियान में 201 दिया जलाए गए, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष जीतन सिंह सेंगर के संगे सदर विधायक मौजूद रहे। जनपद महोबा के शहीद स्थल हवेली दरवाजा मैदान से शुरू करोगे एक दिया शहीदन के नाम अभियान में बुंदेली समाज के लोगों ने दो दिया जला के शहीदन खां याद करो है। आपको बता दें कि नरक चौदस की शाम का बुंदेली समाज ने हवेली दरवाजा शहीद स्थल से एक दिया शहीदन के नाम अभियान की शुरुआत करी और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान इतने फांसी पर लटकाए गए 16 क्रांति वीरन की स्मृति में 201 दिया जलाए गए। उसके बाद शहीदन के अन्य समाधि पर जाके दीपदान करे और ये अभियान की अगुवाई में बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताओ कि अपने घर में तो सभी दिया जला के दिवाली मनात, लेकिन देश के लाने अपनो सब कछु कुर्बान कर देवे वाले शहीदन की समाधि पे दिवाली में दीपदान की शुरुआत 6 वर्ष पहले बुंदेली समाज ने करी। इसमें बूढ़े जवान बच्चा सब हिस्सा ले। दुर्भाग्य से हवेली दरवाजा मैदान में अब तक शहीद स्मारक नहीं बन पाओ। हिंदुओं के संगे कंधा से कंधा मिला के अब मुसलमान समाज का भी आगे आकर स्मारक बनवाओ चाहिए और सामाजिक समरसता की मिसाल पेश करो चाहिए। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर जी के संयोजन में यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित हो जाता है और इसमें आज सभी लोगों को एक हर्ष का उल्लास भी रहता है कि जो हमारे देश की में शहादत ये ऐसे 16 है जवानों ने, उनकी स्मृति में आज हम लोग दीपक रखते हैं और उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और निश्चित तौर से यह है विगत कई वर्षों से बुंदेली समाज द्वारा एक कार्यक्रम चला आ रहा है, जैसा कि माननीय सदर विधायक जी ने अवगत कराया कि यह एक ऐसा स्थल है कि निश्चित तौर से कहीं कोई तकनीकी बाधा आ रही होगी, लेकिन उस बाधा को अवलंब दूर करके यह एक अपने आप में लोगों के बीच में भी यह स्थल जाना जाए और यहाँ पर उनकी स्मृति में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर होता रहे। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोगों ने, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण समाप्त हो और शासन स्तर से जो एक कार्य योजना बनी है उसको पूर्ण किया जाए, तो निश्चित तौर से हम उम्मीद रखेंगे जब अगली बार, जो अगली बार से दीपावली आएगी, तो जैसा यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है निश्चित तौर से वह पूर्ण होगी। और आज इस अवसर पर मैं अपने सभी शहीद सैनिकों, जो 16 सैनिकों ने अपने देश के खातिर शहादत दी, हम लोग गौरवशाली हैं कि यह वीर धरा है, यहाँ के लोगों का नाम भी उनके नाम से जाना जाता है। आज इस अवसर पर मैं उनको पुनः नमन करते हुए अपनी बात। देखिए, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय को भी आगे आना चाहिए और शहीदों के लिए एक स्मारक बनाने में पूरा सहयोग करना चाहिए और एक सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहिए, जो वो नहीं दे रहे हैं और बहुत गलत संदेश जा रहा है। यहाँ पर कूड़ा पूरे एरिया का फेंका जाता है, सुअर लौटते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शहीदों के नाम पर एक स्मारक बनाने में उनको घोर आपत्ति है। इसके लिए जितना निकृष्ट कर्म वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इसकी ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम आज इस अपनी बात इस तरह से कहना चाहते हैं कि महोबा के पूरे मुस्लिम समाज को शहीद स्मारक बनवाने के लिए हवेली दरवाजा में आगे आना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो आप कई सालों से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये शहीद स्मारक नहीं बनता है हम इसके लिए जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे और ये जल्दी हो सकता है। खास खबर बुंदेलखंड चुपर के संवाददाता नितिन नामदेव की है, तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपर पर। शिवांगी तिवारी के साथ जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।